शिव जी ने सप्तऋषियों को बुलवाया। सप्तऋषियों ने कहा, आज्ञा बाबा। बोले, आप लोग एक काम करिए, पार्वती वही जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरी पेरी पुठी हो भवन दूर करे संदेह। जहाँ पार्वती तपस्या कर रही है, आप लोग वहीं पर जाइए और उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और फिर हमसे बताइएगा। और एक बार देखिए, अगर श्रद्धा विचलित हो गई तो विश्वास को प्राप्त करने के लिए श्रद्धा को कई कई परीक्षाओं से गुजरने पड़ती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि आप लोग मेरे बारे में जितनी बुरी बातें बता सकें उतना कहिएगा, हमारे अविवेक को तो देखो। भगवान शिव को हम पति रूप में चाहते हैं, शिव मेरे भर्तार बने, ऐसी कामना से हम तपस्या कर रहे हैं। ऋषि लोगों ने पार्वती की बातें सुनी, व्यंग में ऊपर से हंस रहे हैं। ओहो, एक ऋषि बोले कि तुम्हारे घर बसाने की बात करी उसने, लेकिन वो अपना घर तो कभी नहीं बसाया। तुम यदि चाहो तो शिव को बताया तुम्हारे पति के रूप में। राम राम राम, न रहने का ठिकाना न पहनने का ठिकाना, भूत प्रेतों के बीच में बास करता है, बागंबर लपेटे घूमता है, निर्गुण निर्लज्ज कुवेश कपाली, अपुल अगेह दिगंबर खाली। बताओ, शिवजी का एक नाम है ब्याली। ब्याली माने क्या होता है? सर्प। सर्प को देह में लपेटे घूमता है, कोई गुण नहीं निर्लज्ज, बेस भी बड़ा विचित्र है, बागंबर लपटाए घूमता है। उसको तुम्हारे पति के रूप में कहा नारद ने, कभी नहीं सोचना बेटी ऐसी बात। तुम चाहो तो हम तुम्हें ऐसे सुंदर पति बताएं, लक्ष्मी पति परम सुंदर, पीताम्बर धारी, वैकुंठ निवासी, विष्णु को हम तुम्हारा पति बना दें। पार्वती जी बोली, आप स्वयं गलती कर रहे हैं ये कहकर। आपने कहा श्रीपति हैं, विवाहित हैं, पीताम्बर धारी हैं, उनको मैं प्रणाम करती हूँ। सर्वगुण संपन्न है, दंडवत करती हूँ, लेकिन नारद जी के वचन को मैं कभी भुला नहीं सकती। वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने जो उपदेश दिया उसके विपरीत में चलने का सोच भी नहीं सकती। जिसको अपने गुरु के वचन में प्रतीति नहीं है, संसार में उसके लिए कोई सुख सिद्धि नहीं मिल सकती। उसको समझे आप लोग, मेरी बात ध्यान से सुनो ऋषियों, विष्णु को पति रूप में दिलाना है तो किसी और के घर जाइए ना। मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे सर्वस्व तो केवल और केवल भगवान शिव है, उनके अलावा मैं किसी को सोच भी नहीं सकती। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण खान, जेकर मन रम साहे सम, तेही तेही संसार। जो तुम मिलते हो प्रथम मनीषा, सुनते हो सिकड़ू मानी धरसी सा। महादेव शिव जी अब गुणों के भवन हैं, विष्णु सकल गुणों के खान हैं।
पर जिसका मन जिसमें रम जाए न ऋषियों, उसको उसी से काम है। शिव ही मेरे सर्वस्व है। सब ऋषियों ने जाकर भगवान शंकर से माँ पार्वती का बड़ाई की। प्रभु माँ तो माँ है, आप अवश्य उनका वरण करें। हमने कितना भी लोभ दिया प्रलोभ दिया, लेकिन कह दिया कि मैं तो शिव की हूँ और शिव मेरे हैं। भगवान शंकर पार्वती माता की बातें सुनते सुनते महाराज समाधि में बैठ गए।